हाय गाइस, दिस इज अनिकरा फ्रॉम जीनियर स्टडी चैनल। तो बात कर रहे हैं जीनियर स्टडी चैनल से जी। आप तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज बात करने वाले हैं तो खुश हो जाइए आरआरबी पटना वालों लिए, क्योंकि आपका पार्ट पैनल लिस्ट फर्स्ट जो है जारी हो चुका है, जिसमें आपको दिखाया गया। आप चलते हैं हम लोग आरआरबी पटना के साइड पर। देखिए आरआरबी पटना का ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जब आप आइएगा तो पैनल लिस्ट जो जारी हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे CEN 01/2018, यानी ये एएलपी टेक्नीशियन का सीएन नंबर है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजनल पार्ट पैनलिस्ट फॉर पोस्ट ऑफ एएलपी अगेंस्ट सीएन, यानी जो एएलपी का प्रोविजनल पैनलिस्ट बना है जी। प्रोविजनल इसलिए बोला जा रहा है कि अभी दूसरा भी पैनलिस्ट जारी कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो एक नया टैब खुलेगा। तो नए टैब में आप देख सकते हैं कि पीडीएफ आ रहा है, और इस पीडीएफ में थोड़ा नेट स्लो है तो देख सकते हैं थोड़ा सा डिले हो रहा है। हाँ जी, तो देखिए ये आ गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पटना जो है प्रोविजनल पार्ट पैनल से जारी कर दिया है। इसमें बता रहा है कि एग्ज़ाम कब कब हुआ था, और ये उनका ये बोल रहा है कि जो ये चीफ पर्सनल ऑफिसर हैं हाजीपुर के, उनको ये भेज दिया गया है जी। तो ये पैनल लिस्ट जारी कर दिया गया और हाजीपुर में भेज दिया गया। देखिए यहाँ पे तो असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरी वन का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिकल वाला है जी। और आगे चलते हैं तो देखिए एंड ऑफ लिस्ट मतलब जो कैटेगरी वन में है कितने 302, यानी इलेक्ट्रिकल वाले 302 एएलपी को सिलेक्शन हुआ है, और कैटेगरी दो यानी मैकेनिकल वाले हैं जी, तो मैकेनिकल वाले में टोटल कितना है तो 12 कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आया है। बोला जा रहा है कि प्रोविजनल पैनलिस्ट जो है इसको कन्फर्म नहीं मानिएगा, इसको प्रोविजनल ही मानिएगा जी। हाँ, इसमें चेंज भी हो सकता है, कैंसिल भी किया जा सकता है। और उसके बाद बोल रहा है कि कंप्लीट पैनलिस्ट विल बी प्रिपेयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी टेक्नीशियन कैटेगरी एंड एब्सेंटी। जो ये पैनलिस्ट जारी किया गया है वो एब्सेंट कैंडिडेट थे उनको भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और जो टेक्नीशियन और एएलपी के थे उनको भी जी इंक्लूड करके दिया गया है। और कुछ चेंजेज होंगे तो ये लोग कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है कि प्रोविजनल पैनलिस्ट है। तो बस खुश हो जाइए अरवि पटना वालों लिए। और इसके बाद देखिए सबसे पहले तो एएलपी का मेन लिस्ट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद वेटिंग लिस्ट का होता है जी, उसके बाद टेक्नीशियन का मेन लिस्ट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है, मेडिकल हुआ है, और उसके बाद वेटिंग लिस्ट का। तो पैनलिस्ट एएलपी का आ गया है, इसके बाद टेक्नीशियन और एएलपी का जो बच्चे एएलपी हैं उनका पैनलिस्ट ये लोग जारी करेंगे। तो बस यही न्यूज़ देना था। थैंक यू सो मच। आपने अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।